बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व अफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी आपका भाई घर पहुँचा है, इस वक्त जो 8:30 हो चुके हैं, अभी वापस आया हूँ। बाहर जो है अंधेरा हो चुका है, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बर्थडे है और आज आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह 31 साल का हो चुका है। आधी जो मेरी ज़िंदगी है वो गुजर गई है। आज जुमेरात है तो सुबह मुझे काम से छुट्टी है और हम फ्रेश हो के जनाब सोएंगे सुबह तक आराम से उठेंगे। तो सुबह जुम्मा है, जुमे को मुझे छुट्टी होती है, तो जुम्मे को जो काम पेंडिंग पड़े होते हैं वो करने होते हैं गांव में। जुम्मे को ही मेरा व्लॉग आया करेगा क्योंकि हफ्ते में एक छुट्टी होती है, क्योंकि शॉप पे काम करता हूँ ना, तो इस वजह से जुम्मे को पक्की छुट्टी होती है। खाना वगैरह मैंने खा लिया है, तो खाने के बाद चाय, एक कप चाय खाए। चाय तो बनती है खाने के बाद। ये ले जी, माशाल्लाह हमारा चाय का कप आ चुका है, अभी हम चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद फिर हम आराम से अपनी चारपाई पे लेट जाएंगे। रात को जनन फातिमा को एकदम से ही बुखार हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह से अभी जनन फातिमा बिल्कुल ठीक है। तो रात को मैंने मशीन रखी हुई है बापू वाली को, बापू वगैरह दी थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह से अब जनन फातिमा ठीक है। ये बापू वाली मशीन है और ये इसकी पाइपलाइन है, इसके साथ हमने रात को जन्नत फातिमा को भाप दी थी विक्स डाल के। इसमें ठंड है ना, इस वजह से बच्चों को बुखार हो जाता है, ये काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है, खासकर बच्चों के लिए। बच्चों को बहुत एहतियात से आना पड़ता है क्योंकि सर्दी से उनको बचाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें चंदा मामू, तो आजकल चांदनी हो जाती है। जो जो टाइम गुजरता जाएगा, जैसे जैसे रात गुजरती जाएगी तो रोशनी बढ़ती ही जाएगी इसकी। तो अभी रोशनी का मैं 12 बजे के बाद से पता लगता है जैसे सुबह हो गई है। तो अभी आपको जन्नत फातिमा से मिलाते हैं। जन्नत, ये ले जी जन्नत फातिमा भी आ चुकी है, हमारा स्वीट वे भी आ गया है। माशाल्लाह ये जन्नत फातिमा आ चुकी है। जन्नत क्या कर रही हो, हाथ में आपने क्या पकड़ा हुआ है, ये क्या है, क्या लाइट? इसको ऑन करो ना, कैसे ऑन करते हैं, पापा ऑन करके दें। ये क्या रखा हुआ है, माहू बिल्ली है। ये किसकी है, किसकी है माहू बिल्ली, मेरी है या अहमद भाई की है, जन्नत फातिमा की है। यस, ये जन्नत फातिमा ने लाइट पकड़ी हुई है टॉर्च, तो कहती है ऑन करके दो। ऑन करके दूँ, चलो खुद ऑन करो, जन्नत फातिमा ऑन करेगी। कैसे करती है, ये टॉर्च ऑन करो ना, नहीं हो रही, ए ऐसे करते हैं, हाथ में पकड़ो, 1 2 3 यस, जन्नत फातिमा ने टॉर्च ऑन कर लिया। जन्नत इधर पापा के मुंह पे, कैच। ये किसकी टॉर्च है, नहीं तो मैं फातिमा की है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह से जन्नत की तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो चाय जो मेरी पड़ी रही थी ठंडी हो गई है, ठंडी हो चुकी थी। जन्नत पापा की चाय ठंडी होगी, पापा की चाय ठंडी होगी। जन्नत फातिमा से बातें कर रहा था तो जो हम चाय इसलिए ठंडी हो गई है। अच्छा पापा को एक छोटी सी पारी करो, आए एक इधर पापा को, एक अब्बू की, एक अम्मी की, एक बाबा जी की, नानों की, चाचू की, सबकी पारी होगी, सबकी पारियां एक बार दे दो जन्नत फातिमा सबकी। यस, कैसे करते हो, विश करो, कैसे हैप्पी बर्थडे जन्नत, विश करेगी ना लाइट।
امام بلی کس کی ہے؟ یہ ہے جنت فاطمہ کی امام بلی. وہ گرنے لگی تھی گرنے لگی تھی. لائٹ کیسے بند کرتے ہیں؟ یہ ٹارچ بند کر دیتی ہیں. واؤ اچھا بند کرتا ہوں. آنا ابھی یہ میں نے بند کر دیا. اور یہ آپ کی ماؤں بلی گر گیا. یہ جنت فاطمہ کی ماؤں بلی ہے. یہ کس کی ہے؟ کچھ یہ میلی ہے. پاپا کی ہے. اچھا جنت کی ہے. جنت کیسے کرتی ہے بلی؟ بلی ماؤں بلی کیسے کرتی ہے کیٹ؟ اچھا پاری کرو میاں کو. ہیلو جنت, پاپا نے جنت فاطمہ کی ٹوپی پہن لی. او ہو کون پہنے گا؟ جنت پہنے گی. پاپا پہنے گا. کون پہنے گا؟ جنت فاطمہ کی میں نے ٹوپی ڈال لی ہے. واو یہ جنت کی ٹوپی میری ہوگی. ہاں چور کدھر ڈالوں؟ کدھر؟ ادھر. اے یہ لو جنت فاطمہ کا. یہ میں نے بالو پہن لیا. ہیلو کائے. یہ میں اور جنت فاطمہ لیٹ گئے اور ہم صبح ملیں گے. بابا جی ٹھنڈ ہو گئی ہے بڑی سردی. یہ صبح بخیر سب کو. گڈ مارننگ. اور اس صبح کے 8:15 ہو چکے ہیں اور بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے. اور ابھی کرتے ہیں جی ناشتہ, تو پھر بچوں کو لے کے چلتے ہیں اسکول. تو آج جمعہ بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو. تو ماشاءاللہ سے سورج نکل رہا ہے. ہمارا ناشتہ جی لگ چکا ہے. یہ آ گیا جی ہمارا ناشتہ. تو ابھی کرتے ہیں جی ناشتہ. ناشتے میں ہے جی, ناشتے میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ گوبھی والا پرانٹھا اور ساتھ چائے. آئے ہائے. ابھی جی میرا ناشتہ ہو چکا ہے الحمدللہ. تو اب ٹھنڈ بہت ہو گئی ہے, سردی لگ رہی ہے. اور پہنتے ہیں جرسی. تو سورج بالکل میرے سامنے. ماشاءاللہ سورج جو ہے بالکل سامنے. اور میں نے یہ ناشتہ کیا دیا سورج کے سامنے بیٹھ کے, ساتھ ساتھ دھوپ لگوا رہے. کیا بات ہے جی. ابھی ٹائم ہوا چاہتا ہے سکول جانے کا. کافی لیٹ ہو گیا ہوں. یہ جی ہمارا ماشاءاللہ لہسن ہے. ماشاءاللہ یہ دیکھیں شبنم پڑی ہوئی ہے صبح صبح. رات کو میں اور جنت فاطمہ کافی لیٹ سوئے ہیں. پہلے ویڈیو بنائی ہے. ویڈیو بنا کے میں نے تقریباً 11 بجے ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے میری. تو اس کے بعد ہم میں اور جنت فاطمہ ماں کافی دیر تک کھیلتے رہے ہیں. رات کے تقریباً 1:15 ہو چکا تھا. تو جنت میرے ساتھ کھیل رہی تھی. تو ابھی وہ بھی سو کے اٹھی ہے اور وہ ناشتہ کر رہی ہے. بھی پہن لیتے ہیں جی شوز. شوز پہنتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں اگلے کام کو. یہ کیا چیز ہے جی؟ ابھی اس کو کھول کے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ رات کو پارسل آیا تھا میرا. اور اس کو کھول کے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. بسم اللہ. ایک ہاتھ میں موبائل, دوسرے ہاتھ میں. واہ ماشاء اللہ یہ ٹوپی ہے. اور یہ اس کے ساتھ یہ گلے میں ڈالتے ہیں. بہت ہی اچھی چیز ہے. وول لگا ہوا ہے یہ دیکھیں. اور گرم اندر بھی اس کے لگا ہوا ہے یہ دیکھیں. اور السلام علیکم, کیسا لگ رہا ہوں؟
लग रहा हूँ ना शेर, बब्बर शेर, और ये जो टोपी और मफरल टाइप बना हुआ है, और इसका फ़ायदा ये है कि हवा नहीं जाएगी अंदर और कान और सर सर्दी से बचा रहेगा। क्योंकि बाइक पे सुबह जब जाता हूँ काम पे तो ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, हवा ठंडी ठंडी लगती है, इस वजह से ये मैंने मंगवाया, एक मेरे लिए और एक उम्र के लिए। उम्र सुकून जाता है और उसके लिए भी एक मंगवाया है। कैसा लग रहा है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है ज़रूर। ये क्या हुआ, वाई से लॉक हुआ हुआ, ये उम्र गया ना वाई से लॉक कर गया। माशाल्लाह बाहर का कुछ ऐसा व्यू है। ये सामने बरसीन लगा हुआ है माशाल्लाह से, और ये साथ लहसुन, ये अबू जान ने लगाया था, एक क्यारा एक अम्मी जान ने, और बाकी मैं और लगाए थे उस तरफ, दो कैरे जो है चाचू जान ने लगाए हुए हैं माशाल्लाह। ये भी ये देखे लहसुन कितना प्यारा लग रहा है। अम्मी जान ने गोडी कर दी है, एक गोडी हो गई है, और माशाल्लाह बरसीन जो है वो भी माशाल्लाह बहुत प्यारा निकला होगा। ये देखिए और ये बाजरे के सीटे पड़े हुए हैं, ये देखिए अभी मशीन लगाएंगे तो इसमें से दाने जो हैं वो निकल आएंगे माशाल्लाह से। ये सीटे पड़े हुए हैं और उस्मान ने वहाँ पर गरी लगा दिया, ये थोड़े से रह गए वो भी इंशाल्लाह आज लग जाएंगे। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद अभी घर वापस जा रहा हूँ। स्कूल जो है वो हमसे तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर है, इतना दूर नहीं है। सुबह सुबह बाइक पे ठंड होती है, तो आज की वीडियो यहाँ तक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।